हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर स्टडी पॉइंट। टॉपिक टेस्ट के एक नए टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 देखेंगे, दैट इज सेकंड पार्ट मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक टेस्ट का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो। मेरा सजेशन यही है कि डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के पहले उसी सेशन का पीडीएफ भी अवेलेबल है, जाओ पहले पीडीएफ को बनाओ, देखो कहाँ पे तुम अटक रहे हो, उसके बाद फिर वीडियो को जरूर देखना, तो क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नई नई टेक्निक्स की यूज़ की है मैंने, ठीक है। और इस सेशन का भी हमारा पीडीएफ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो जिन लोगों तक ये पीडीएफ नहीं पहुँचा आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी के सवालों की ओर चलते हैं। जो लोग मेरे बारे में या डी आर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो पहला सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो, इन वेसल ए मिक्सचर, वेसल ए के मिक्सचर में पेट्रोल एंड किरोसिन ऑयल आर इन द रेशियो 7:5, ठीक है। पेट्रोल और किरोसिन ऑयल क्या है, 7:5 में। इन वेसल बी इट इज़ इन द रेशियो 8:5, वेसल बी में यही रेशियो क्या हो जाता है, 8:5 में हो जाता है। पी लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए, वेसल ए से पी लीटर, एंड क्यू लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल बी, क्यू लीटर वेसल बी से बाहर निकाला जाता है एंड पोर्ड इन टू वेसल सी, और किस में मिला दिया जाता है, सी में मिला दिया जाता है, ठीक है। इफ़ वेसल सी कंटेन्स 150 लीटर ऑफ मिक्सचर, वेसल सी में जो है 150 लीटर मिक्सचर है जिसमें 40% किरोसिन है, ठीक है। तो अगर किरोसिन का तुम्हें फ्रैक्शन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, 40/100, डेट इज़ नन अदर दैट 2/5, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो सब जगह किरोसिन किरोसिन तुम्हें मिल ही गया तो किरोसिन ही उठाओ, ठीक है। वेसल ए से जब तुम किरोसिन उठाओगे तो क्या होगा, 5/12, और वेसल बी से जब उठाओगे तो तुम्हें क्या देगा, 5/13, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे चलो, तुम्हें मालूम है कि मिक्सचर में जो किरोसिन है वो है तुम्हारा 2/5, ठीक है। इसका तुमने लिया है पी लीटर, इसका तुमने लिया है क्यू लीटर, और इसी पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो नीचे जो रेशियो आता है वही पी और क्यू का वैल्यू होता है, बस घटा दो यहाँ से, ठीक है। तो जब तुम घटाओगे यहाँ से तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम, 2/5 माइनस में 5/13, फिर यहाँ लिख दो 5/12 माइनस में 2/15, सॉल्व कर दो इसे। 5 × 13 इंटू 2 करोगे तो 26, 5 × 5 करोगे तो 25, 26 में 5 चला गया, 25 चला गया 1, रेशियो यहाँ से आ जाओ 12 × 5, 5×5 = 25, 12×2 = 24, घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, 5 और 5 ख़त्म हो गया, यानी कि रेशियो जो हो गया 12:13 हो गया, किसका रेशियो हो गया, P:Q का। यही तुमसे पूछा था P/Q के फॉर्मेट में, जो कि क्या होगा 12/13, एंड डैट इज़ योर आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में देखो क्या, द कंसनट्रेशन ऑफ लेमोनेड इन 3 different mocktails, 3 different mocktails में लेमोनेड और सॉफ्ट ड्रिंक का क्या कंसनट्रेशन है, 1/2, 2/3, 2/4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बोला इफ 3 liter, 6 liter एंड 1 liter आर टेकन आउट फ्रॉम दिस वेसल, 3 liter, 6 liter और 1 liter इन तीनों में से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो तीनों में से जब निकाला और मिक्स कर दिया तो यही पूछा है फाइनल में हमारा लेमोनेड और सॉफ्ट ड्रिंक का क्या रेशियो था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कि पहला वेसल हम लोग लेमोनेड पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला वेसल में 3 liter निकाल रहे हैं हम लोग, तो 3 liter में जो लेमोनेड निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो 3 × 1/2, ठीक है, 3 का क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। फिर यहाँ से देखो दूसरे में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 का 2/3 निकलेगा, फिर क्या निकलेगा हमारा, 1 का 2/4 निकलेगा, यानी ये लेमोनेड हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 3 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो 2 बार में, अब नहीं कटेगा। यहाँ देखो 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, यानी 4/2, 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ से 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि लेमोनेड जो हो गया वो 6 हो गया, ठीक है। अब तुम सॉफ्ट ड्रिंक का बात कर लो, तुमने निकाला टोटल कितना, 3 liter, 6 liter और 1 liter, यानी कि तुमने टोटल 10 liter निकाले हैं, ठीक है। 10 liter में तुम्हारा 6 liter तो लेमोनेड लेके ही चला गया, तो सॉफ्ट ड्रिंक कितना बचा, 4 liter बच गया, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक जब 4 liter है, लेमोनेड इतना 6 liter है, इसी का रेशियो निकालना है तुम्हें, यानी 6:4, काट दो 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, यानी क्या आ गया रेशियो हमारा, 3:2 आ गया, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3:2। तो कितना आसानी से ये सवाल निकल जा रहा है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जरूरी नहीं है कि तुम सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के लिए जाओगे तो 1/2 लेमोनेड है, तो तुमको जरूरी है ये करना, 3 का 1/2 फिर करो यहाँ से, फिर 6 का 1/3 करो, फिर यहाँ से तुम 1 का
टू बाई फोर यानी कि फिर वन बाई टू करो, इस तरीके से तुमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या ये तरीका बिल्कुल ही गलत है सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के लिए, क्योंकि टोटल कंसंट्रेशन हमें मालूम है 6, 3, 9, 1, 10, और लेमोनेड निकल गया तो बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक में जाएगा, यानी कि ये हमारा फाइनल रेशियो हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या, टू कंटेनर ए एंड बी कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली। ध्यान दो सेंटेंस में, दो कंटेनर ए और बी है जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी है रेस्पेक्टिवली, मतलब मिल्क ए के लिए आएगा और बी के लिए क्या, वाटर किसके लिए आएगा, बी के लिए। तो दो कंटेनर है ए और बी, इस तरीके से कर दो तुम यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी दो पार्टीशन दे दो, यहाँ मिल्क वाटर कर दो, यहाँ पे भी मिल्क वाटर कर दो, मतलब इसका मिल्क जो है इसके वाटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ ए आर पोर्ड इनटू बी, आधा कंटेंट ए का बी में डाल दिया जाता है, एंड देन अगेन हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ बी ट्रांसफर्ड बैक इनटू ए, यानी कि आधा आधा का दो बार चर्चा किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो और दो क्या कर देते हैं, चार। मान लिया कि मिल्क इसमें भी चार था और वाटर इसमें क्या था, चार था, ठीक है। पहला स्टेप कुछ इस तरीके से था हम लोगों का। अब देखो अगला क्या है हम लोगों का, क्या बोला, आधा इसका ए का आधा कंटेंट बी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब ए का आधा ट्रांसफर करोगे तो चार का आधा क्या होगा, दो, वाटर तो वही का वही है, ठीक है। लेकिन जब आधा ट्रांसफर किया तो यहाँ पे हमारे पास मिल्क कितना बचा, दो, और ये हमारा जीरो था ही, अभी भी यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी में अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया तुम्हारा, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई टोटल, 4, 2 कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब तुमसे क्या बोला कि आधा फिर बी का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है ए में, आधा मतलब क्या, 3। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे, 1:2 में ही मिक्स करेंगे। अब साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा 2:1 क्या है, 3 के बराबर है, ठीक है। यानी मिल्क 1 लीटर जाएगा, वाटर कितना जाएगा, 2 लीटर जाएगा। तो 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे तो 2+1, और वाटर 2 लीटर ऐड करेंगे तो 2, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, यानी कि यहाँ पे मिल्क हमारा कितना बच गया, 3, और वाटर कितना हो गया, 2, यानी कि क्या रेशियो आ गया, 3:2 आ गया। हमसे पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर ए, कंटेनर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, ऑप्शन नंबर डी 3:2। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या, एक कॉफी सॉल्यूशन कंटेन 40% मिल्क बाय वेट। एक कॉफी सॉल्यूशन में 40% मिल्क है बाय वेट, तो मिल्क है और इसके साथ ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो जब ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा, 60, रेशियो कितना, 2:3। फिर क्या बोला, इफ द पर्सन एडेड 10 ग्राम ऑफ मिल्क, 10 ग्राम क्या करता है, मिल्क ऐड कर देता है, ठीक है। तो 10 ग्राम जब मिल्क ऐड कर रहा है तो मिल्क बिकम्स 50%, तो 50% बनने का मतलब क्या, मिल्क 50 तो वाटर भी 50, यानी 1:1 में। देखो तुमने मिल्क ऐड किया, वाटर की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए, तो इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, ये वैल्यू 3 हो गई, 2 से क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, यानी कितनी बढ़ गई, 1 की इंक्रीमेंट हुई। और इस एक ही यूनिट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 ग्राम, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 10 ग्राम है तो टोटल हमारा 3, 2, 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम में मिल्क हमारा हो जाएगा 20 ग्राम एंड वाटर हो जाएगा हमारा 30 ग्राम, ठीक है। फाइनली अब हम लोग यहाँ पे आ गए कंक्लूजन पे, मिल्क हमारा 20 ग्राम है, वाटर हमारा 30 ग्राम है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ 30 ग्राम ऑफ मिल्क इज एडेड इन द कप, 30 ग्राम मिल्क ऐड कर देते हैं, तो 30 ग्राम जब हम ऐड करेंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा हमारा, 50 ग्राम हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा हमारा, 30 ग्राम हो जाएगा। बोल रहा है देन व्हाट विल बी द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द कप, परसेंटेज ऑफ मिल्क बताना है। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क कैसे बताएंगे, मिल्क हो गया 50 बटे में 50 30, कितना हो गया, 80, गुने में क्या कर देना है, 100, यहाँ से काट दो 0 0। अब तुम देखो 5/8 तुम जैसे निकालो, मेरा कहना यही है कि 1/8 तुम्हें याद होता है, 1/8 होता है तुम्हारा 12.5%, ठीक है। तो 5 से इधर भी गुना कर दोगे तो 5/8 निकल जाएगा, इधर भी 5 से गुना कर दो, 12.5 × 65 × 5 2.5, यानी कि 62.5 हो जाएगा, यानी परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना हो गया, 62.5%, एंड दैट इज योर आंसर ऑप्शन नंबर बी, 62.5%, ठीक है। तो बिना देरी किए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि अभी तक में आपको सब चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, एक ग्रॉसर हैज़ 2 वेराइटी ऑफ वीट, एक ग्रॉसर के पास 2 तरह के वीट हैं, वीट ए एंड वीट बी, ठीक है। कॉस्टिंग ₹20 per kg एंड ₹24 per kg रेस्पेक्टिवली, ए का दाम ₹20 प्रति किलोग्राम है, बी का ₹24। ही सेल्स द टोटल मिक्सचर ऑफ वीट ए एंड वीट बी हैविंग 840 kg ऑफ वीट ए, यानी ₹20 वाला जो है वो कितना केजी है, 840 केजी है,
₹4,5040 with a profit margin of 20%. ये 5040 किसके लिए आया? सेल्स के लिए आया, यानी 50,400 में वो 20% का प्रॉफिट लेके वो बेच देता है उसको, ठीक है। यानी कि अगर हम उसका सीपी निकालना चाहेंगे पूरे मिक्सचर का, तो सीपी कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस मालूम है, परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, 100/120 कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। बोल रहा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वीट वी इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर सोल्ड, वीट बी कितना है ये बताना है। तो वीट बी की रेट कितनी है? 24 मान लिया, एक्स किलो है। यहाँ से ये सीपी, यहाँ से ये सीपी, और ये बराबर क्या दे देगा मिक्सचर का सीपी? बस इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। काट छाट दो यहाँ से, ये 0 0 काट दो यहाँ से, 12 से काट दो, 12 4 48, ठीक है। और फिर यहाँ से 24 बचा, यानी कि 2 बार में और 0। अब तो यहाँ से ध्यान दो जरा सा, 6 से काटने का कोशिश करो, सब जगह कट जाएगा। 6 से 4 बार में, 6 से काटो 1 बार में, 24 2 बार में, सॉरी 4 बार में, ठीक है। और 6 से काट दो इसे 70 बार में, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखो क्या है, 14 × 20 करोगे तो 2800 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और फिर यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे, यहाँ 140 एक्चुअली, ठीक है, 0 भी है। और फिर यहाँ से तुम 4x करोगे, यहाँ लिख दो 2800 प्लस में 4x बराबर में 7000 हो गया तुम्हारा। 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7000 में जब 2800 तुम घटा दोगे तो 4200 के आसपास दे देगा तुम्हें, ठीक है। 4 से काट दो इसे 1 बार में, 0 5 बार में और 0 यहाँ से, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 1050 kg। यानी 24 रुपये वाला कितना kg था? 1050 kg था। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ई, 1050 kg, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में देखो क्या है, देर आर टू मिक्सचर ए एंड बी इन विच एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर इन द रेशियो 2:3 and 3:5। एसिटिक का फॉर्मिक के साथ रेशियो दिए हुए 2 vessels। बोथ द मिक्सचर आर मिक्सड विथ ईच अदर टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ 120 liter। दोनों को मिक्स किया जाता है और एक सॉल्यूशन निकाला जाता है 120 liter का, जिसमें कि इन विच द वॉल्यूम ऑफ एसिटिक इज कितना, 46 liter, जिसमें एसिटिक कितना है, 46 liter है। बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच मिक्सचर ए वाज मिक्सड विथ मिक्सचर बी। मिक्सचर ए और मिक्सचर बी किस रेशियो में मिक्स किए गए थे ये तुम्हें बताना है। तो यहाँ से ध्यान दो, तुम्हें एसिटिक की चर्चा की है मिक्सचर की, तो तुम हर जगह से एसिटिक उठा लो। पहला से उठाओगे ए से, तो एसिटिक का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5। यहाँ से उठाओगे तो 3/8। और मिक्सचर का अगर तुम ध्यान दोगे तो एसिटिक 46 है और टोटल कितना है, 120। डिवाइड दे दो 2 से 23 बार में, 2 से 60 बार में। एलिगेशन लगा दो यहाँ से, ठीक है, लगा दो यहाँ से एलिगेशन। एलिगेशन जब तुम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3/8, और इसे 23/60 से घटा दो। यहाँ पे 2/5, इसे 23/60 में घटा दो। सॉल्व करो यहाँ से, 60 × 8 रहने दो, ठीक है, 60 × 8 रख दिया। 8 × 23 जब करोगे तो 8 × 16 = 160 और 24, यानी क्या दे देगा, 84। माइनस में 16 × 3 क्या दे देगा, 180। अभी गुना उना कुछ मत करना, नीचे में सारा चीज कट जाएगा। 60 × 5 कर दो, 60 × 2 क्या होता है, 120। माइनस में 5 × 123 करो, क्या देगा, 115 देगा। 60 और 60 खत्म हो गया यहाँ से, तो फाइनली तुम्हारा क्या बच गया, 4/8 रेशियो 5/5। 5/5 खत्म, 4 से 2 बार में, 1 रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 1 रेशियो क्या, 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का सवाल था। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार अभी तक में रेशियो मिला था, जरूरी नहीं है हर बार रेशियो मिलेगा। ट्विस्ट यही है कि यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी को हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है ये देखो। देखो नेक्स्ट में क्या है, ए ग्लास कंटेन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस हैविंग 80% वाटर बाय वॉल्यूम। तो 80% वाटर है तो 20% क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। If 10 ml of solution replaced by water, 10 ml solution को पानी से replace किया जाता है, followed by किसके द्वारा फिर followed किया जाता है, 5 ml of solution replaced by water, मतलब फिर से हम 5 ml solution को क्या कर रहे हैं, replace कर रहे हैं। तो what will be the percentage of water in the final mixture form? Final mixture में क्या percentage of water, क्या ये बताना है। तो मैं देखो एक formula पता होगा, final quantity बराबर में initial quantity 1 माइनस में x/c, ठीक है, x1/c, फिर 1 माइनस में x2/c। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, x1 यानी कि जितना लीटर तुमने निकाला और जितना लीटर डाल रहा है, फिर यहाँ 10 लीटर निकाला था, यहाँ 5 लीटर निकाला था। अब तुम ध्यान दो
कि अगर यहाँ तुम डाल रहे हो जो निकालने के बाद डाल रहे हो वाटर, इस एक्स की वैल्यू अगर वाटर है तो इनिशियल में ये निकलेगा लेमन, मतलब वाटर के अलावा जो है वो, और फाइनल में भी निकलेगा क्या, लेमन। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से तुम देखो क्या दिए हुए है, वाटर हम लोग को डाल रहे हैं बार बार, तो हम लोग का इनिशियल में क्या है, लेमन, यानी कि ये निकलेगा लेमन। और इनिशियल क्वांटिटी लेमन की कितनी है, 80% जब वाटर है तो 100 ml का 20% क्या हो जाएगा, लेमन। तो 20 वन माइनस में एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, सबसे पहले 10 लीटर निकाल के डाला, और कैपेसिटी कितनी है, 100। फिर दूसरा बार क्या किया, वन माइनस में 5, फिर नीचे में क्या कर दिया, 100। ठीक है, 0 0 काट दो, 5 से काट दो 20 बार में, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 गुने में 10 में 1 चला गया, कितना, 9/10 गुने में 20 में 1 चला गया, 19/20। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारा फाइनल लेमन निकलने वाला है हमारा। ठीक है, अभी मैंने बताया था क्या निकलने वाला है, फाइनल लेमन। 20 खत्म, 19 × 9 क्या होता है, 171/10, यानी 17.1 जो मिलीलीटर होगा, ये क्या होगा, लेमन होगा। तो वाटर जो बचा हमारा, बाकी जो बचा वो क्या होगा, वाटर। टोटल हमारा 100 था जिसमें 17.1 लेमन ले लिया, तो बाकी बचे कितने, 82.9 ml बचे वो हमारे, कितने, वाटर। तो अब देखो तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर बताने के लिए फाइनल मिक्सचर में। ठीक है, फाइनल मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज, तो यहाँ से तुम देखो 10 लीटर निकाला तुमने मिक्सचर, 10 लीटर डाल दिया, टोटल क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं। 5 लीटर निकाला, 5 लीटर डाल दिया, टोटल क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं। स्टार्टिंग में था हमारा 100 पे किसी चीज़ को तुलना करने का मतलब क्या है, जो है वही उसका परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट के रूप में भी हो जाएगा, यानी वाटर का परसेंटेज कितना है, 82.9, ऑप्शन नंबर बी एंड योर आंसर। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग इस तरीके से करते हैं। सिंपली इसमें यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ भी जा रहा है, ये वाला एक्स वाला पार्ट, अगर ये वाटर को जा रहा है तो इसके साथ जो बचा हुआ है वो इनिशियल और फाइनल में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, टू केमिकल पी एंड क्यू ईच हैविंग एसिड टू बेस रेशियो 17:10। ठीक है, एसिड टू बेस 17:10 है, तो अगर पहला में एसिड पकड़ेंगे तो 17/ में क्या हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। दूसरा में 5:6 में है, तो एसिड पकड़ेंगे तो 5/ में क्या हो जाएगा, 11। आर मिक्सड इन द सम रेशियो, किस रेशियो में मिक्स किया जाता है, सच डैट केमिकल जेड, टू फॉर्म अ केमिकल जेड। ठीक है, सच डैट बेस इन जेड, बेस जो है जेड में इस 12.5% लेस देन एसिड इन जेड। ठीक है, जो एसिड होगा उससे 12.5% कम है बेस। ठीक है, किस में, जेड में, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो अगर हम बोलें कि एसिड 8x होगा तो बेस कितना हो जाएगा हमारा, 7x, और रेशियो निकालोगे तो xx खत्म, 8:7 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ तुमने एसिड लिया तो यहाँ से फिर तुम एसिड ले लो, 8/ में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 15। और अब तुम यहाँ से एलिगेशन लगा दो। ठीक है, एलिगेशन जब तुम लगाओगे तो 8/ में 15 माइनस में 5/ में क्या करोगे, 11 कर दोगे। फिर यहाँ से क्या कर दो, 17/ में 27 माइनस में 8/ में 15 कर दो। अब तुम्हें कैलकुलेशन ना लास्ट में करना, पहले से यहाँ पर लिख दो, 15 × 11, 11 × 8 होता है 88, 15 × 5 होता है 75। ठीक है, रेशियो फिर यहाँ से देखो 27 × 15। ठीक है, अब थोड़ा सा ना तुम्हें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, 15 × 27, 15 का स्क्वायर करके 15 × 30 जोड़ दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 255। फिर यहाँ से 27 × 8, 8 × 16, 160, 8 × 7, 56। ठीक है, 160 और 56 को जब तुम ऐड, 56 को ऐड कर दोगे तो क्या देगा तुम्हें, 216। ठीक है, अब यहाँ से तुम रेशियो निकाल दो, यहाँ से 15 और 15 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 75 और 88 में चला जाएगा, क्या बचेगा, 13/11। रेशियो में 255 में 216 चला जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, 39, और बटे में क्या, 27। काट दो 13 × 3 में, 3 × 9 में, फाइनल रेशियो क्या आ गया, 9:11। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9:11 में क्या है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 9:11 आ गया। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या, 3 metals A, B and C आर अमलगामेटेड टुगेदर, 3 metals जो है ए बी सी साथ में मेल्ट किए जा रहे हैं, देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 4:3:2, उनकी वॉल्यूम जो है 4:3:2 में है, एंड द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर 5:4:3 रेस्पेक्टिवली, और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम, अगर उनकी वॉल्यूम सेम होती, मान लो उनकी वॉल्यूम अगर 1:1 में होती तो उनकी वजन होती 5:4:3 में। ठीक है, तो जब तुम मिक्स करोगे तो मिक्स करोगे उसके वेट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो मिक्स कर रहे हो जब, तो यहाँ पे तो तुम्हारा ये 5:4:3 तो इक्वल वॉल्यूम का है,
लेकिन जबकि तुम्हारा वॉल्यूम स्टार्टिंग में दिए हुआ है, कितना वॉल्यूम दिए हुआ है, 4:3:2 दिए हुआ है, तो तुम्हारे 4:3:2 के अकॉर्डिंग वेट तुम्हें निकालना होगा। तो वेट निकाल लो, जब एक का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5×4। उसी तरीके से एक का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3×4। एंड सेम ऑन सी के लिए भी 3×2। ये हो गया तुम्हारा फाइनल वेट, 2 से 2 बार में। 5×2 कितना हो गया 10, 3×2 कितना हो गया 6, यहाँ से कितना हो गया 3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेट का रेशियो। व्हाट इज़ द वेट ऑफ मेटल ए, मेटल ए का वजन कितना होगा इफ़ द मिक्सचर, इफ़ द वेट ऑफ मिक्सचर इज 133 kg। मिक्सचर का वजन कितना है, 130 kg। तो मिक्स हो रहा है, यही 3 ना मिक्स हो रहा है, 10, 6, 16 और 3 कितना 19, 19 का मान 133 के बराबर, तो 1 का मान कितना के बराबर, 7 के बराबर। तो मैं ए का निकालना है, ए कितना है 10 है, 10 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 70 kg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 70 kg, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का अगला सवाल और आखिरी सवाल इस सेशन का क्या बोल रहा है ये देखो, कितना ही लाजवाब सवाल है, देखो ध्यान से क्या है सवाल में। दो मिक्सचर है ए एंड बी कंटेनिंग वाटर एंड अल्कोहल, वाटर है एक मिक्सचर में और एक क्या है अल्कोहल है, दो तरह का चीज़ है एक मिक्सचर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो वेसल है ए और बी, ठीक है, जिसमें वाटर और अल्कोहल का रेशियो दे रखा है 4:9 और यहाँ पे 2:3। ठीक है, अगर तुम टोटल पे थोड़ा सा गौर करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 13, 3×2 = 5। ठीक है, अब तुम्हें देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 39:25। ए और बी को जो मिक्स किया वो किस रेशियो में मिक्स किया, 39:25। मतलब क्या है, इसको अगर 3 से गुना कर देंगे तो ए का वजन देखो 39 हो जाएगा, इसको अगर 5 से गुना कर देंगे तो देखो बी का वजन क्या हो जाएगा, 39:25 के रेशियो में मिक्स हो गया। तो इधर जब 3 से गुना हुआ तो इधर भी 3 से गुना कर दो, इधर भी 3 से गुना कर दो, इधर भी 5 से गुना कर दो, इधर भी 5 से गुना कर दो, और इन दोनों को क्या करो, मिक्स कर दो, ताकि सी में वाटर अल्कोहल का रेशियो तुम्हें निकल जाए, 4×3=12, 5×2=10, 12 और 10 क्या देगा 22, 9×3=27, 5×3=15, 27 और 15 क्या देगा तुम्हें 52, 2 से काट दो 11, 2 से काट दो 21, यानी रेशियो क्या आ गया 11:21 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, सच डैट अल्कोहल इन द रिजल्टेंट मिक्सचर सी इज 40 liter मोर देन वाटर। ठीक है, अल्कोहल जो है रिजल्टेंट मिक्सचर में 40 liter ज़्यादा है वाटर से, तो यहाँ से तुम क्वांटिटी तो निकाल लोगे लेकिन तुम्हें अभी इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो तुम क्या करने जा रहे हो आगे, क्या बोल रहा है, इफ 16 liter ऑफ मिक्सचर ऑफ सी इज टेकन, 16 liter लिया गया तो इसी का 16 liter निकालेगा हमारा, 16 liter भी जो लिया जाएगा इसी रेशियो में लिया जाएगा, एंड मिक्स्ड विथ 13 liter ऑफ ए, ठीक है 13 liter ए के साथ मिक्स कर दिया गया, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, अल्कोहल की मात्रा बतानी है रिजल्टेंट मिक्सचर में कि कितना अल्कोहल है। तो अब तुम यहाँ से ध्यान से देखो, तुम्हें अल्कोहल की मात्रा बतानी है, तो यहाँ से तुम अल्कोहल निकाल दो, अल्कोहल का 16 लीटर में क्या होगा 21/21+11=32×16, ठीक है, प्लस में 13 लीटर लिया है तुमने तो साफ साफ तुम्हें पता चल जाएगा 9/13 × 13 यहाँ से ख़त्म, 16 से काट दो 2 बार में, 2 से काटोगे 21 क्या देगा 10.5 और यहाँ से 9 यानी कि जोड़ जाड़ के कितना दिया 19.5 दिया, और यही लिए हमारा है आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने बोल रखा है कि 16 ही लीटर मात्र तुमने सी का लिया है, तो हमें इसमें 40 लीटर है कि क्या है इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशियो मालूम है हमारा। ठीक है, और फिर इसको किसके साथ मिक्स किए, ए के 13 लीटर के साथ मिक्स किया, तो ये तो ऑलरेडी 13 लीटर है जिसमें 4 और 9 में बट रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है सवाल में, इसी का तुम्हें निकालना है रेशियो, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, तो रिजल्टेंट मिक्सचर में जब रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 21/32 ऑफ क्या 16 लीटर, 9/13 ऑफ क्या 13 लीटर, तो सॉल्व जब करोगे तो तुम्हारा यहाँ 10.5 और 9 आ जाएगा, जो जाकर कितना है 19.5, ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ हमारा सीरीज़ जो है ख़त्म हुआ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी, अगर सीरीज़ अच्छी लगे बच्चों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी ग्रुप्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी हैं सब जगह शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा लोग देखें तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहे कि हाँ हमें अभी और मेहनत करके और लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना है, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं।